हमें मिला पूल का डिस्काउंट कूपन। अरे बस हम जाएंगे पूल। ओ अरे ये तो डिस्काउंट कूपन है, चलो सब चलते हैं। हम पूल पे जाएंगे, बहुत मजे आएंगे। मैं नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? मेरी पुरानी ड्रेस छोटी हो गई है, मुझे नई ड्रेस खरीदनी होगी तभी जा पाऊंगी मैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करना पड़ेगा। है, है। मेरा मतलब है कि तुम जो भी सोचोगी ठीक ही सोचोगी मित्सी। आपकी बातों से लग रहा है कि आप मुझे नई ड्रेस नहीं लेने देंगे। पर जाने से पहले मैं बहुत सारा खाना खाना चाहता हूँ। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं वहाँ पर जाकर स्विमिंग कर भी पाऊंगा? तुम हमेशा फालतू की बातें क्यों करते हो शिनचैन? बोलो जवाब दो। मैं हिमा बारी के साथ घर पर ही रहूंगी, आप शिनचैन के साथ चले जाइए। थोड़ी देर बाद आप तो बहुत ही खुश है डैड। गर्मियों में पूल में जाना मजेदार होता है। सही कहा, हमें वहाँ जाकर बहुत मजा आएगा। यहाँ पर तो बहुत सारी कार्स हैं। ऐसा लगता है डिस्काउंट कूपन के चक्कर में सारा शहर यहीं पर आ गया है। अरे जो भी हो बेटा, क्या सबको घूमने के लिए आज यही जगह मिली थी जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं? ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? अजीब लग रहा है। आज हम दोनों मिलकर यहाँ पर बहुत सारा मजा करेंगे। सुनिए डैड, जल्दी आइए। अरे रुको डैड, यहाँ पर तो बहुत ही भीड़ है, चलिए दूसरी जगह पर चलें। कोई दूसरी जगह नहीं है बेटा, यही चेंजिंग रूम है। यहाँ पर तो मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है डैड। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो शिनचैन बेटा। अरे रुको रुको। इधर आओ बेबी, जगह बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे डैड? बेटा कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर भीड़ कम होगी, यहाँ तुम खो सकते हो, इसलिए मेरे साथ ही रहना। क्या हुआ? हमारे लिए तो यहाँ पर जगह ही नहीं है। बेकार की बातें छोड़ो, हम कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं। वहाँ भीड़ कम है डैड। आखिर वो बड़ी लहर कब आएगी डैड? मजा नहीं आया। यहाँ तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम समंदर में बैठे हो। देखा आ रहा है ना मजा बहुत। ये कैसे स्टिकर है डैड? बेटा ज्यादा बातें मत करो, लोगों को परेशानी होगी। ठीक है आंटी, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा ताकि आपको परेशानी ना हो। अरे मैंने कहा था ना ज्यादा बात नहीं करनी है शिनचैन। क्या है? कुछ नहीं, माफ कीजिएगा। बच्चा है, मजाक कर रहा है। देखा वो कितने गुस्से में देख रही थी मुझे शिनचैन। अरे वो देखो वहाँ पर सब लोग लहरों का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए और जगहों पर भीड़ कम होगी बेटा। अरे वाह डैड, तो हम कहाँ जाएंगे? वाटर स्लाइड के बारे में क्या ख्याल है बेटा? वाटर स्लाइड के लिए आपको एक घंटा इंतजार करना पड़ेगा। एक घंटा इंतजार? कितनी देर लग जाएगी? सबके ख्याल में वाटर स्लाइड ही आनी थी क्या? कुछ ज्यादा ही भीड़ है। ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर ही यहाँ आ गया है आज बेटा। शहर तो पूरा खाली हो गया होगा ना डैड? डैड अब तो मुझे भूख लगने लगी। हाँ भूख तो मुझे भी लगी है बेटा, चलो कुछ खाते हैं। चलो चलो जल्दी चले। अरे रुको रुको जरा शिनचैन, रुको। क्या कर रहे हैं? अरे आप तो वही है ना। माफ कीजिएगा। आपको ध्यान से चलना चाहिए, ऐसी गलती दोबारा ना हो, ठीक है? माफ कीजिएगा। अरे आज क्यों आ गया मैं यहाँ? शिनचैन बेटा, नूडल्स के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें तो बहुत पसंद है ना? मुझे नूडल्स नहीं, चटनी के साथ मसाला डोसा चाहिए। अरे जो भी खाओगे तभी खाओगे जब लाइन आगे बढ़ेगी और नंबर आएगा। इसकी वजह से देर हो रही थी। अरे देखो तुम्हारे लिए जूस। अरे शिनचैन बेटा कहाँ हो? अरे वो रहा, शिनचैन बेटा इधर आओ। अरे ये सुन क्यों नहीं रहा है मेरी आवाज? शिनचैन बेटा इधर आओ।
बिल्कुल भी सोचता नहीं है ये लड़का। कितनी मेहनत से जूस लाया था मैं, गर्म हो जाएगा। जूस इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ चिंचन। देखो मुझे, देखो देखो देखो। अरे वाह डैड, आप तो डांस बहुत ही अच्छा करते हैं। शायद मैंने ही सिखाया होगा। चिंचन मैं भी ऐसा डांस कर सकता हूँ, देखोगे? देखो 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 मुझे। एक बात बताओ, तुम इस तरह से इशारे क्यों कर रहे हो? मैं तो बस अपने बेटे को बुला रहा था, वो वहाँ पर है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। क्या हुआ मैडम? ये आदमी सबको परेशान कर रहा है। मुझे लगता है इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसे यहाँ से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो तो डैड आप मुझे इशारे करके बुला रहे थे ना। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, जाओ यहाँ से। आपकी वजह से सबको परेशानी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है मुझे आपके बारे में गलत फहमी हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ तो आया। मैं माफी चाहता हूँ, आपको हमारी वजह से परेशानी हुई। कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ी कम भीड़ रखिएगा भैया। बस बस बेटा। ठीक है मैं चलती हूँ। जी ठीक है। चलिए डैड वहाँ पर देखिए, वहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आ जाइए डैड, यहाँ पर हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। अब हम मजे करेंगे और हर परेशानी को भुला देंगे। आज हम मिलेंगे चांद की राजकुमारी से। कभी कभी लोगों के साथ रहस्यमयी घटनाएं हो जाती हैं। सभी इन पर विश्वास नहीं करते। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं। तैयार हो ना चिंचन, ये लो। कितनी अच्छी जगह है यहाँ तो बांस के कितने सारे पेड़ हैं, लेकिन हमारी बॉल नहीं दिख रही। आ गई बॉल मेरे पास, अब नहीं जाने दूंगी इसे किसी के पास। आ गई बॉल मेरे पास, खेलूंगी इस बॉल से दिन रात। आ गई बॉल मेरे पास, जब मैं छोटी बच्ची थी बड़ी शरारत करती थी, सबकी बॉल चुराती थी, उससे मैं खेलती थी। आ गई बॉल मेरे पास, अब जाने नहीं दूंगी इसे किसी के पास। ला 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 ला। ये देखो ये देखो ये देखो, ये तो अच्छी खिलाड़ी है। अरे वाह। हेलो, अरे आपके पास ऐसी अंगूठी कैसी आई? कज़ामा तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ शिनचान, ये तो वही अंगूठी है जो एक्शन कामिन के शो में थी। हाँ ये अंगूठी एक्शन कामिन की कहानी में थी। ये अंगूठी एक्शन कामिन के शो पर थी, लेकिन कज़ामा बताओ तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? शिनचान बेकार की बातें छोड़कर हमें अपनी बॉल वापस मांगनी चाहिए। तो ठीक है, आपसे मिलकर खुशी हुई। काश मेरे पास तुम्हारे जैसे बच्चे होते। अरे सुनिए आंटी, ये बॉल हमारी है, आप प्लीज इसे वापस कर दीजिए। नहीं, आप वापस नहीं करेंगे? शिनचान आंटी से बोलो हमारी बॉल वापस करें। तुम भी तो बोल सकती हो। देखो मेरा असली नाम तो कागुया नायोताके है, वैसे तुम मुझे दादी जी कह सकते हो। कागुया, ये कैसा नाम है? ये किसी दूसरी दुनिया का नाम है। ऐसा नहीं है शिनचान, एक कहानी में ये नाम सुंदर सी राजकुमारी का था। उस कहानी में एक लड़की एक अंकल को बांस के पेड़ में मिली थी और बड़े होने पर वो एक सुंदर राजकुमारी बन गई थी, है ना कज़ामा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही राजकुमारी हो जो कहानी में थी? क्या ये सच में राजकुमारी है? लेकिन वो कहानी तो हजार साल पुरानी है दोस्तों। उस कहानी के मुताबिक तो राजकुमारी, इसका मतलब पूरी चांद को देखने के बाद ये राजकुमारी बन जाएंगी और फिर वापस चांद पर चली जाएंगी। तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो। सुनिए दादी जी, क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकती हैं? मैं चांद पर पैदा हुई थी, चांद पर बड़ी हुई और मैं चांद की बेटी हूँ। हम तो ये जानते हैं। फिर आप यहाँ पृथ्वी पर क्यों आई? मैंने सपना देखा, पृथ्वी चांद की तरह बड़ी है, नीली है, सुंदर है। मैंने सोचा कि यहाँ पर बहुत सी चीजें होंगी, तो मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई और तब से यहीं रह रही हूँ। ओह अच्छा, लेकिन मैंने तो कहानी में पढ़ा था कि कुछ लोग राजकुमारी को चांद पर ले जाते हैं।
हाँ, इस तरह की कहानी तो मैंने भी पढ़ी थी, जिसमें मेरे जैसी सुंदर लड़की को एक पालकी में बिठाकर चांद पर ले जाते हैं। राजकुमारी की तस्वीर। ये मेरी कुछ साल पहले की फोटो है। सुंदर है। तब मैं बहुत सुंदर हुआ करती थी, वैसे तो मैं अब भी हूँ। यहाँ पर आकर मैं बहुत ही जल्दी बूढ़ी दिखने लगी हूँ, इसलिए जब भी कोई मुझे दादी कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए जिसे मैं इजाज़त दूँ वही मुझे दादी कह सकता है, जैसे कि तुम जैसे छोटे छोटे बच्चे। मैं चांद पर जाऊंगी तो फिर से पहले जैसी हो जाऊंगी। बिल्कुल जैसी आप तस्वीर में लग रही हैं। वैसे मैं बूढ़ी तो लगती हूँ, पर मैं अभी भी बहुत सुंदर हूँ। वैसे अगर मैं यहीं पर रही तो मुझे कुछ ही दिनों में पेंशन मिलने लगेगी। पेंशन? आज पूरे चांद की रात है और आज की रात हम चांद पर वापस जा सकते हैं। क्या आप रात को चली जाएंगी? और हमारी बॉल का क्या होगा? अच्छा, ये तो मेरे पास ही रहेगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसकी जगह मुझे कोई गोल चीज दे दो, जिसे जब मैं चांद पर वापस जाऊं तो अपने साथ ले जाऊं। क्या कहा, गोल सी चीज? ऐसी क्या चीज हो सकती है? सुनो, जल्दी करो, सिर्फ एक ही घंटा बचा है। वो दादी जी तो हमारी बॉल वापस दे ही नहीं रही। चलो उनके लिए कोई गोल सी चीज ढूंढते हैं। हम ले आए हैं, तो चलो दिखाओ क्या लाए हो। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। ये क्या है? ये चांद की तस्वीर है, मैं आपके लिए लाया हूँ, बिल्कुल गोल है। ये तो कमाल की है, इसे तो मैं सबको चांद पर दिखाऊंगी। तो फिर अब आप इससे बात नहीं बनेगी। तुम क्या लाए हो? ये क्या है? ये धरती के खास छोटे केक हैं। वाओ। इससे भी बात नहीं बनेगी। तुम क्या लाए हो? क्या मैं आपके लिए कुछ लाया तो हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सी चीज दूँ। तुम तो चांद की तरह गोल हो, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। चलो दिखाओ तुम क्या लाए हो। ठीक है, पकड़ो, तुम भी पकड़ो। अब देखिए ये क्या, शिनचैन तुम फिर से शुरू हो गए। ये कितना सुंदर है, पूरा चांद, चमकता हुआ चांद, वो भी इतना पास। इस वक्त मुझे मेरे चांद की बहुत याद आ रही है, मुझे वापस जाना है। तो आप चली जाएंगी? हाँ, तुम सब यहाँ पृथ्वी पर रहना, मैं चांद पर जाकर तुम लोगों को वहाँ से देखूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। तुम लोगों ने जो भी मेरे लिए किया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस इम्तिहान में तुम लोग पास हो गए। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे तैयार होना है चांद पर जाने के लिए। गुड बाय पृथ्वी के लोगों। ये तो सच में वापस जा रही हैं। हाँ पता है। अरे ये तो अंधेरा हो गया। हाँ, हमें घर वापस चलना चाहिए, चलो चले। लेकिन दोस्तों मेरी बात सुनो, मेरी बॉल का क्या होगा? अगले दिन। अरे उनका घर गायब हो गया। ये गोल निशान कैसे हैं? वो सच में वापस चली गई। वो मेरी बॉल भी ले गई। अरे मेरी बॉल उन्होंने वापस कर दी। अब वो चांद पर जाकर राजकुमारी की तरह शांत से रहेंगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सब कुछ जानते हो। तुमने तो फिर से बॉल को कहीं घुमा दिया। मेरी बॉल कहाँ मिलेगी? वो चांद से आई थी और चांद पर वापस चली गई। जिसे इस कहानी पर विश्वास करना है वो करे, और जिसे नहीं करना वो ना करे। लेकिन ये तो है कि कल रात सच में चांद की खूबसूरती से पृथ्वी चमक रही।